नमस्कार, आज तीसरा दिन है कबीर प्रकट दिवस का और सत्यलोक आश्रम में हमने दो दिन की कवरेज करी थी, लेकिन आज हम तीसरा दिन दिखाएंगे आपको। विशाल भंडारा है, बहुत सारी भीड़ आ रही है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, इस साइड दिखाएं। लोग भंडारा लेकर जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। आज भोग भी पड़ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो सानिध्य में जो ये तीन दिन का अखंड पाठ चला हुआ है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, और बहुत सारी भीड़ है, बहुत लोग आ रहे हैं। जरा इनसे ही हम पूछ लेते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं। रुड़की से। रुड़की सर? रुड़की हरिद्वार के पास। हाँ जी, हाँ, रुड़की हरिद्वार। देखिए जिस तरीके से अभी लाइन टूट नहीं रही है, अभी आ ही रहे हैं, बस खड़ी हो रही है, बसों से उतरकर आ रहे हैं, आश्रम के अंदर जा रहे हैं। आइए हम लेकर चलते हैं आश्रम के मुख्य द्वार पर। ये आश्रम का, ये देखिए इधर बाइक खड़ी है, बहुत सारी मोटरसाइकिलें हैं, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल खड़ी हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं। ये मुख्य द्वार है, हम मेन गेट के सामने खड़े हैं और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये मेन गेट है, लेकिन मेन गेट से पहले दिखाएंगे जहाँ पर ये कारें खड़ी करी जा रही हैं। और इधर दिखाइए, चारों तरफ कार ही कार है। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं, ये भीड़ का नज़ारा। अंदर जाते हुए श्रद्धालु जन, ये बहुत सारी भीड़ अंदर जा रही है। देखिए ये सेवादार लगे हुए हैं, बाकायदा एक मैनेज कर रखा है पूरी संगत को इन्होंने। सत्यलोक आश्रम का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम। आज आखिरी दिन है तो लोग सोच रहे होंगे, जब आखिरी दिन है तो क्यों ना आज चलकर ही देख लेते हैं। जो दो दिन नहीं आ पाए तो आज आखिरी दिन आए, आने का उनको मौका मिला होगा तो ज़रूर आ रहे हैं। सर, कबीर प्रकट दिवस है आज और तीसरा दिन है, समागम संपूर्ण होने वाला है, लाखों लोग आए हुए हैं। एक बार उद्देश्य बता दीजिए संत रामपाल जी महाराज जी का, क्या उद्देश्य है समाज के प्रति, समाज सुधार में? संत रामपाल जी महाराज के बहुत से उद्देश्य हैं जो वो समाज सुधार को लेके काम कर रहे हैं। जैसे नशा आज के टाइम पे बहुत फैला हुआ है, उसको लेके संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर नशा छोड़ रहे हैं भक्त। इस समय हम अंदर आ चुके हैं पंडाल में और अंदर देखिए किस तरीके से भोग, कितनी संगत है यहाँ पर, बहुत श्रद्धालु जन खड़े हैं। एक सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा, सच्चा प्रेम अपने सतगुरु के प्रति, और यहाँ पर जगत के भी हैं बहुत लोग और संत रामपाल जी महाराज जी के भगत तो हैं ही। आइए हम आगे लेकर चलते हैं दरबार साहिब में। देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है और कितनी श्रद्धा है, सभी लोग खड़े हुए हैं। दरबार साहिब में चलते हैं, आगे हम दिखाते हैं आपको। ये प्रणाम स्थल है यहाँ पर। ये अखंड पाठ बहनों की तरफ था जो भोग पड़ रहा है, अब हम आपको भाइयों की तरफ दिखाएंगे अखंड पाठ। बहुत भारी तादाद में भीड़ है, जहां देख रहे हैं एक जन समुदाय इकट्ठा हुआ है। ये तो अंदर पंडाल का दिखा रहे हैं, बाहर अगर बाहर देखा जाए तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है। और ये वाणी सतग्रंथ साहिब की चल रही है, और आपको बता दें लाइव प्रसारण भी चल रहा है साधना में, जो प्रोजेक्टर में आप देख रहे हैं लाइव प्रसारण चल रहा है। और यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र आश्रम है, सत्यलोक आश्रम। आखिरी दिन है और आज के दिन ही कबीर साहब प्रकट हुए थे लहर तारा तालाब काशी में। ऐसी भीड़ पहले हमने कभी नहीं देखी। चारों तरफ एक तरीके से जन समुदाय है, चारों तरफ। ये पंडाल के अंदर का नज़ारा है। देखिए कबीर साहब का जीवन परिचय चलाया जाएगा, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, उसमें बताया जा रहा है कि कबीर जयंती नहीं, कबीर प्रकट दिवस होगा। भीड़ देखिए, शायद जाने की भी जगह नहीं मिल पा रही है और हम बिल्कुल बीच में चल रहे हैं। ये श्रद्धा है इन भक्तों की, क्योंकि अब भोग पूरा हो चुका है और भोग के बाद ये प्रणाम करेंगे। प्रणाम शायद दरबार साहिब में जाकर करेंगे, इसलिए ये लाइन बनी हुई है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि इधर भगत हैं और इधर भगत भाई हैं, इधर बहनें हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर।
जिस तरीके से भीड़ है और उस भीड़ के हिसाब से अगर देखा जाए हम अन्य जगह पर जाते हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं कोई लोग बना पाता है जितनी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बना कर रखी हुई है। अब हम आगे पहुँच चुके हैं यहाँ पर जहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है। ये शायद लाइन इसीलिए लगी हुई थी, ये जो लाइन लगी थी इसीलिए लगी हुई थी। सर कहाँ से आए आप? पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश से। पहाड़ों से आए हैं सर, हिमाचल प्रदेश। अच्छा ये बताइए, लोग पहाड़ों के लोग पहाड़ी भाई कहते हैं कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में ही देव रहते हैं। उत्तराखंड से भी लोग आए हैं, हिमाचल से आए। वो तो सर पुराने रीति रिवाज के तहत सब कुछ चला आ रहा है उनको, हमारे को ये सब कुछ पहले पता ही नहीं था। हम तो जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे वैसे हम लोग कर रहे थे, लेकिन असली तो अब पता चला कि परमात्मा कौन है, परमात्मा साकार है कि निराकार है, इस चीज़ का हमें अब पता चला है। उसी हिसाब से अब हम पढ़े लिखे। परमात्मा कौन है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब के अवतार हैं, स्वयं परमात्मा हैं, अवतार हैं कबीर साहब जी। कल जब हमने दूसरे दिन कवरेज की थी यहाँ पर तो कई सारी दहेज मुक्त विवाह हुए थे, लेकिन आज फिर एक जोड़े का दहेज मुक्त विवाह कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दहेज मुक्त विवाह, ना कोई लेन देन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हो रही है। हम दिखाएंगे थोड़ा सा आगे चलकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक जोड़े की शादी हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर संत समाज अगर कहें वो एकत्रित है, श्रद्धालु एकत्रित हैं, दूर दूर से संगत आई हुई है। तो आइए हम जरा जानते हैं इस रमैणी के विषय में, जो संत भाषा में रमैणी बोलते हैं और संसारिक भाषा में आमतौर पर शादी बोला जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से सर? हिमाचल, सोलन हिमाचल प्रदेश। सर जो ये शादी हो रही है दहेज मुक्त शादी हो रही है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप? सर जैसा कि ये रमैणी शादी हो रही है दहेज मुक्त विवाह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाज में और भी शादियां होती हैं, अपने बच्चों की शादी करते हैं, अपनी शादी बच्चों की शादी में हेलीकॉप्टर तक उड़ा देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो ये शादियां हो रही हैं ये पूर्णतः दहेज मुक्त हो रही हैं। इसमें ना दहेज लिया जाता ना दिया जाता है, बिल्कुल पूर्णतः दहेज मुक्त शादी है ये बता रहे हैं। जैसा कि वाकई में एक दहेज भारत जो अभियान चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, ये रीति रिवाज सा बन गया, एक प्रथा सी चल गई है कि जो दहेज नहीं देगा वो शादी किस बात की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम की है कि वाकई में देखने लायक है, और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि ना तो दहेज लेते और ना देते हैं, सिर्फ ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं और इनसे विचार जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? कैसी? क्या नाम है आप? कैलाश। कहाँ से हो? बिजनौर उत्तर प्रदेश। बिजनौर उत्तर प्रदेश से आए हैं सर, पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, दूसरी बार आए हूँ। दूसरी बार आए। ये जो दहेज मुक्त शादी हो रही है इसके विषय में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। दहेज जो प्रोग्राम है वो अति उत्तम है। अति उत्तम है। और संत महंत हैं वो दहेज मुक्त शादी करवाते कि नहीं करवाते? अरे वो उसकी कुछ मत पूछो, वो तो सर लेन देन पैसे का, उनका पैसे का करिश्मा। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट शादी होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये सबसे अच्छी शादी है। सबसे अच्छी शादी है, बिना लेन देन के शादी है यहाँ पर। ना दहेज लिया जाता है ना दहेज दिया जाता है। कैमरा मैन आयुष के साथ सुशील, SN News, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र।